महाराष्ट्र कोल्हापुर का फेमस वेज मराठा, जो महाराष्ट्र कोल्हापुर की काफी फेमस डिश है और आपको वहाँ के हर रेस्टोरेंट और ढाबे में ये डिश जरूर मिलेगी। इसकी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी होती है और जो कोफ्ते होते हैं वो मिक्स वेजिटेबल के बनते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो हमने सोचा चलिए आज हम अपनी ऑडियंस के लिए वेज मराठा थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाए जो बनाने में आसान हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूछ देसी किचन। तो चलिए आज हम बनाते हैं महाराष्ट्र कोल्हापुर का फेमस वेज मराठा। वेज मराठा बनाने के लिए चलिए पहले एक मसाला बनाते हैं। महाराष्ट्र में इसको वड़ा मसाला या काला मसाला भी कहते हैं और नॉर्मली ये मसाला सबके घरों में बनाकर स्टोर कर लिया जाता है, लेकिन आज हम फ्रेश मसाला बना रहे हैं। उसके लिए हमने एक पैन में एक चम्मच तेल गरम किया है। तेल गरम हो गया है, इसमें एक बड़ा चम्मच सूखा धनिया डाला है। इसको कुछ देर के लिए पहले भून लेते हैं 15 से 20 सेकेंड के लिए। अब इसमें हमने 10 से 12 काली मिर्च डाली है, 2 से 3 लौंग डाली है, एक बड़ा चम्मच जीरा, 2 से 3 छोटी इलायची हम इसमें डालते हैं। इसको भी हम हल्का गुलाबी होने तक भून लेते हैं। एक चम्मच हमने यहाँ पर मोटी सौंफ डाली है इसमें, इसको भी साथ में भून लेंगे। गैस को स्लो ही रखेंगे। एक चम्मच सफेद तिल, एक छोटा टुकड़ा नारियल का, उसको हमने बारीक काट लिया है जिससे कि ये पिसने में आसानी हो, इसको भी डालकर भून लेंगे। 5 से 7 कश्मीरी लाल मिर्च साबुत, 4 से 5 सूखी हुई लाल मिर्च वो डालेंगे। अगर आपके पास साबुत लाल मिर्च नहीं है कश्मीरी वाली तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इसको भी भून लेंगे। एक बड़ा प्याज स्लाइसेस में काट लिया है, 5 स्लाइसेस में, इसको डालेंगे। इसको हम भून लेंगे क्योंकि हम गीला और सूखा मसाला एक साथ बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें एक साथ ही डालकर बना लेंगे। वैसे गोड़ा मसाला सूखा ही बनता है। 4 से 5 लहसुन की कली, इसको भी डालेंगे। एक छोटा टुकड़ा अदरक। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे, लो फ्लेम के ऊपर भूनेंगे जिससे कि प्याज गोल्डन ब्राउन भी हो जाए और जले भी नहीं। एक चम्मच खसखस पाउडर या पोस्ता दाना वो डालेंगे। 8 से 10 काजू, यहाँ पर हमने साबुत काजू लिया है, मेरे पास साबुत काजू ही था, अगर आपके पास काजू टुकड़ा है तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसको भी साथ में अच्छी तरह से भून लेते हैं। प्याज हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसमें हमने आधा चम्मच दालचीनी पाउडर डाला है क्योंकि मेरे पास साबुत दालचीनी नहीं थी। एक बड़ा टमाटर, उसको स्लाइसेस में करके इसमें डाल दिया है और इसको 1 से 2 मिनट और भून लेते हैं। टमाटर थोड़ा हल्का सा गल जाएगा। सब चीज़ों को एक बार अच्छी तरह मिला लेते हैं। एक चम्मच पीसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। पहले हम सूखी हुई साबुत लाल मिर्च डाल चुके हैं, इसलिए पीसी हुई लाल मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक बार सब चीज़ों को मिला लेते हैं। अब यहाँ पर हमने एक बड़ा कप गरम पानी इसमें ऐड किया है। गरम पानी मिला लेंगे इसके साथ मसालों के साथ। स्वाद के हिसाब से इसमें नमक डालेंगे और इसको हम कवर करके जब तक सारी चीज़ें गल नहीं जाएंगी तब तक हम इसको कुक कर लेंगे। मसाले को कुक होते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं। पानी भी ऑलमोस्ट थोड़ा ड्राई हो चुका है इसमें और इसको कुछ सेकंड्स के लिए कुक कर लेते हैं। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे और फिर इसका एक फाइन पेस्ट बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। पानी ऐड नहीं करेंगे पीसते समय, ये ऑलरेडी थोड़ा सा गीला मसाला है तो आसानी से पिस जाएगा। मसाला पिस के तैयार हो गया, एक बहुत ही अच्छा वाटर बनकर तैयार हो गया है, कोल्हापुरी वाटर। तो चलिए जब तक कि मसाला को साइड में रख देते हैं और कोफ्ते बनाने की तैयारी करते हैं। 2 से 3 उबले आलू को, जो ग्रेटर की मोटी वाली साइड होती है, उस तरफ से हम आलू को घिस लेंगे। ये जो भी क्वांटिटी है, जितने कोफ्ते हम बनाएंगे, ये करीब करीब 3 से 4 लोगों के लिए सफिशियंट होंगे। सारे आलू हम पहले घिस कर तैयार कर लेते हैं। 1 कप पत्ता गोभी बिल्कुल बारीक कटा हुआ, 1 कप गाजर बिल्कुल बारीक कटी हुई, सब्जियों को बिल्कुल बारीक काट के ही डालना है।
थोड़ी सी बीन्स हमने डाली है 2 चम्मच के करीब, 1 छोटा टुकड़ा अदरक बारीक कटा हुआ, 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हरा धनिया बिल्कुल फाइनली चॉप्ड, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद के हिसाब से नमक, 1/2 कप बेसन डालेंगे। बेसन की क्वांटिटी हम थोड़ी कम ही रखेंगे क्योंकि ज़्यादा बेसन अगर हो जाएगा तो कोफ्ते हार्ड हो जाएंगे। 2 बड़े चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। अगर आपको लग रहा है कि बैटर थोड़ा लूज है मिक्सचर, तो आप बेसन की जगह इसमें कॉर्नफ्लोर ही बाद में ऐड करें, ज़्यादा बेसन डालने से कोफ्ते हार्ड हो जाएंगे। सब चीज़ों को हम पहले अच्छी तरह से मिला लेंगे। एक अच्छा डो बनाकर हम इसका तैयार कर लेते हैं। इतने मिक्सचर से अगर आप मीडियम साइज़ के कोफ्ते बनाएंगे तो 8 से 9 बनकर तैयार होंगे, और अगर आप बड़े कोफ्ते बना रहे हैं, साइज़ बड़ा रख रहे हैं, तो 6 से 7 तैयार होंगे। हाथ में पहले थोड़ा पानी लगा लेंगे, और फिर हमने यहाँ पर सिलेंड्रिकल शेप के कोफ्ते बनाए हैं, आप चाहें तो गोल कोफ्ते भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस तरह से हम सारे कोफ्ते पहले बनाकर तैयार कर लेते हैं। चलिए अब इन कोफ्तों को हम पहले फ्राई कर लेते हैं। एक कढ़ाई में तेल गरम किया है, एक एक करके कोफ्ते हम इसमें डालते जाएंगे और हल्के हाथों से चलाते हुए इन कोफ्तों को पलटते पलटते रहेंगे, क्योंकि इन कोफ्तों को हमने किसी भी कॉर्नफ्लोर या मैदा की स्लरी में डिप करके नहीं फ्राई किया है, तो इसलिए थोड़ा केयरफुल होकर हम इसको फ्राई करेंगे, जिससे कि कोफ्ते फ्राई करते समय टूटे नहीं। सारे कोफ्ते जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इतना परफेक्ट कलर आया है कोफ्ते का, इसी तरह से हमको कोफ्तों को फ्राई करना है और एक प्लेट में निकाल लेना है। चलिए कोफ्ते भी फ्राई हो गए हैं, अब हम आगे के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। एक पैन में 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाला है, 1 प्याज को बारीक काट लिया है, उसको हम पहले फ्राई कर लेते हैं, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई डालकर हम पहले सॉटे कर लेते हैं। अब जो मसाला हमने पीस कर रखा है वाटन, उसको हम इसमें डालेंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। इतना भूनेंगे कि मसाला एकदम ड्राई हो जाए और इसका कलर धीरे धीरे बिल्कुल चेंज हो जाए। मसाले को तेज आंच में नहीं फ्राई करेंगे, फ्लेम को लो रखेंगे। मसाले का कलर देखिए एकदम चेंज हो गया है। अब इसमें हमने 1 बड़ा चम्मच मलाई डाली है और स्वाद के हिसाब से नमक डाला है, और इसको हम 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर भून लेते हैं, जब तक मलाई थोड़ा सा अपना घी या जो भी इसमें तेल होता है वो छोड़ ना दे। थोड़ा सा जो मिक्सी में मसाला बच गया था उसी में थोड़ा पानी डालकर हमने इसमें डाल दिया है, और इसको और 2 से 3 मिनट हम इसको भून लेते हैं। आप चेक कर सकते हैं मसाले का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ एंड शाइनी है। इसमें अब हम 1 चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी डालकर इसको चला लेंगे। वेज मराठा की जो ग्रेवी होती है वो गाढ़ी होती है, तो इसमें हम पानी बहुत थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, और ग्रेवी के लिए जो पानी ऐड करेंगे वो गर्म पानी ऐड करेंगे। हमने गैस के दूसरी साइड में पानी को गर्म कर लिया था, और पानी थोड़ा थोड़ा डालकर हम इसमें ऐड करेंगे। ग्रेवी जब तक कुक हो रही है तब तक हम इसके लिए एक अच्छा सा तड़का बनाकर तैयार कर लेते हैं। 1 बड़ा चम्मच घी या तेल आप जो भी चाहें गरम कर लें, उसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालें और 4 से 5 सूखी लाल मिर्च डालें और लहसुन को ब्राउन होने तक भून लें। अब इसमें हमने जो तड़का बनाया है वो ग्रेवी में डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तड़का डालने के बाद एक बार और उबाल आ गया है ग्रेवी में, अब जो हमने कोफ्ते फ्राई करके रखे हैं वो ग्रेवी में डालते जाएंगे और इसको 5 से 7 मिनट और कुक करेंगे। अगर आपको ग्रेवी गाढ़ी लग रही है तो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी और ऐड करें, लेकिन वेज मराठा की जो ग्रेवी होती है वो थोड़ी गाढ़ी ही होती है। कोफ्ते को ग्रेवी में डालने के बाद करीब करीब 7 से 8 मिनट और कुक किया है, जिससे कि कोफ्ते में ग्रेवी अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हो जाए। वेज मराठा बनकर तैयार है। आप इसको रोटी, पराठा या राइस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वेज मराठा थोड़ा स्पाइसी होता है, इसलिए थोड़ा सा अगर आप चाहें तो मिर्च की क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो सबके साथ शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।